रांची के पुराना हाईकोर्ट के समक्ष जेएमएम विधायक विकास मुंडा और जिग्गा सुसारन हेरो बंद का समर्थन करने के लिए सड़क पर उतरे। इस मौके पर भीम आर्मी और जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी एसटी के लिए आरक्षण को लेकर जो फैसला दिया है उसका विरोध किया, साथ ही उस फैसले को वापस लेने की मांग की। पहले भी आप देखिए कि इस विषय में संशोधन को लेकर के किसी एसटी एससी कम्युनिटी ने मांग करी है क्या? जब मांग करा ही नहीं गया तो ये निर्णय देने का औचित्य क्या है? अगर लगता कि इतने समय से देश आजाद होने के बाद में जो आरक्षण की व्यवस्था एसटी और एससी को मिली हुई थी, जिसको एक तरीके से कहा जाए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिया गया आरक्षण की व्यवस्था, उसको मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके का संशोधन की आवश्यकता थी। अगर संशोधन की आवश्यकता पड़ती तो लोग मांग करते, लोगों ने तो मांगा नहीं। जब हमने मांगा नहीं तो फिर आप क्यों दे रहे हैं? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। और सिर्फ ये हमारी बात हो ऐसी बात नहीं है, पूरे देश भर के जितने भी एसटी और एससी वर्ग से जो भी समाज आते हैं सभी इसका विरोध कर रहे हैं। आज पूरा भारत बंद क्यों किया? अगर भारत देश जो चाहता तो आज बंदी नहीं होता। आज हमारे पार्टी और भी पार्टी को इसको सोचना चाहिए, सभी लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि एसटी एससी का आरक्षण निश्चित रूप से आगे के जाने के बाद थोड़ा सा कमजोर होगा। आप हम मांगे नहीं हैं, कहीं कोई बोला नहीं है, रोड में कोई आंदोलन नहीं किया, आप अपना लागू कर दिया, आप सुना दिया, फैसला सुना दिया, तो निश्चित रूप से अधिकार है जनता का, सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं देश में, भारत में सब लोग बंदी है, पूरा भारत बंदी है, आप लोग भी सामने बैठे हो, एक तो निश्चित रूप से एकदम ये कहीं ना कहीं ये चीज जब आपको मांगा नहीं तो आप तुरंत इस आपने सुना ली, कम से कम जनता जब चुन के देश को प्रधानमंत्री हो राष्ट्रपति सभी लोग बनते हैं तो जनता का भी तो थोड़ा सुन लेना चाहिए, पूरे देश का माने आवाम का पूरा सर्व भापना चाहिए, मान को भापना चाहिए, सारे लोग को जानकारी लेके चलना चाहिए, तब कुछ करना चाहिए, तो आज भारत में इस देश में ऐसा हालात। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।